ए क्लासेस मई जौनपुर क्लास ट्वेल्थ के लिए पोइट्री पॉड से द पॉशिंग ऑफ आर्थर लेसन के साथ मैं बच्चों जुड़ रहा हूँ आइए देखते हैं द पॉशिंग ऑफ आर्थर के संदर्भ में अल्फोर्ड लॉर्ड टेनिसन ने क्या लिखा है अब समझना होगा कि ये आर्थर कौन है ये किंग आर्थर हैं राजा आर्थर पॉशिंग का तात्पर्य यहाँ गुजरने अर्थात मृत्यु प्राप्त करने के में है यानी राजा आर्थर की मृत्यु से संबंधित डेथ से रिलेटेड ये पोएम लिखा है आल्फोर्ड लॉर टेंसन ने तो अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम आपको समझना जरूरी होगा देखिए अगर अबाउट द पोएट की बात करें तो इसमें तो बहुत सारा लॉन्ग दिया है मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ ठीक देखिए अल्फर्ड लॉर टेंसन वॉज बॉर्न एट्स शबरसबाई इन लिंग कोलिंग शायर ये कहाँ पैदा हुए थे भैया शबरस बाई लिंग शायर में डेथ इनकी बर्थ हुई थी ही वॉज़ एजुकेटेड ऐट होम इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी एंड एट ट्रिनटी कॉलेज कैम्ब्रिज और जो उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था ट्रिनटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ही मेट ए एच हलाम ऐट कैम्ब्रिज एंड द टू बीकेम ग्रेट फ्रेंड्स इनके दो मित्र बने थे ए एच हलाम कैम्ब्रिज के दो फास्ट फ्रेंड थे वेन हलाम डाइड जब हलाम मर जाते हैं सडनली एट वाइना इन 1833 यानी अचानक उनकी मृत्यु हो जाती इनकी फ्रेंड के वाइना में 1833 में द ग्रीफ मूव टेनसन टू कम्पोज द लिरिक्स तो ये ग्रीफ जो ये पीड़ा जो थी टेंसन को लिरिक लिखने के लिए क्या करती मजबूर करती इन मेमोरियम उनकी यादगार में अपने फ्रेंड हलाम की मेमोरी में मेमोरियम में इन्होंने एटीन फिफ्टी में लिरिक लिखना शुरू कर दिया द सेम ईयर टेंशन वॉज मेड द पोएट उसी वर्ष ये पोएट कवि के रूप में जाने जाने लगे ल्यूरेंट ऑफ इंग्लैंड ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्स वर्थ एंड मैरिड एमिल सेलवुड और इन्होंने वर्ड्स वर्थ की मृत्यु के बाद एमिल सेडवुड से शादी से करने के बाद पोइट के रूप में विख्यात प्राप्त हुए इस तरह से इन्होंने बहुत सारे लिरिक्स और पोयम की रचना की इस तरह से लास्ट है वो मरते कब हैं ही डाइड इन द ईयर 1892 नाइन्टी टू अठारह सौ में इनकी मृत्यु हो जाए